बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। तो गाइस अभी ना मैं बोनिफिशियस इसके बता चुका हूँ ह्यूमरस के, अब इसके ना मैं मसल अटैचमेंट जल्दी से बताऊँगा, आपने जल्दी से देखते जाना। सबसे पहले जो है ना मैं ग्रेटर ट्यूबरकल की बात करता हूँ, लेट मी इस तरह आ जाए यार। ओके, अब जो है ना ग्रेटर ट्यूबरकल की बात करते हैं। ग्रेटर ट्यूबरकल पर आपने तीन मसल दिखाने हैं, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस और टीरिस माइनर। इसकी आपने लोकेशन बी डी सी आपने खुद पढ़नी है, मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ सुपरफिशियल सा। सुपरास्पाइनेटस बैक पे, इंफ्रास्पाइनेटस मिडल पे और टीरीज माइनर हो गया। अब सुपरास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टीरीज माइनर हो गया, और जो लेसर ट्यूबरकल में वहाँ पे लगेगा सबस्कैपुलरस। देखो ना यार ये कहाँ पे गई बोन, एक दो एक मिनट, ये सबस्कैपुलरस मसल यहाँ से आ रहा था ना, तो यहाँ से ये यूँ लगेगी ना बोन, तो सबस्कैपुलरस मसल यहाँ से आके इधर लग जाएगा लेसर ट्यूबरकल पे। सुपरास्पाइनेटस जो था ना ये वाला ऊपर वाला, ये आएगा ग्रेटर ट्यूबरकल पे। इंफ्रास्पाइनेटस यहाँ पे आ जाएगा। टीरीज माइनर कहाँ पे था, ये ऊपर वाली जगह पे लेटरल बॉर्डर के ऊपर था ना टीरीज माइनर, वो यहाँ पे आके लग जाए। हो गया कंसेप्ट आपको, होप सो क्लियर हो गया। सबस्कैपुलरस यहीं से निकल के यहाँ पे आके लग जाएगा और ये सारे का सारा ग्रेटर और लेसर की होगी। अब जो है ना इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस इंतहाई इम्पोर्टेंट है। देखिए इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस जो है ना इसका एक मैंने कहा था लेटरल लिप होता है, एक होता है मीडियल लिप होता है, और दरमियान में जो ग्रूव होता है। तो इसका मैंने निमोनिक जो है ना यहाँ यहीं बी डी में भी लिखा हुआ है, लेडी बिटवीन टू मेजर्स, दो मेजर्स के दरमियान एक लेडी है, यानी लेडी बिटवीन टू मेजर, दो एम साइड पे लेडी बिटवीन है टू मेजर्स के। इसको हम कहेंगे पेक्टोरलिस मेजर, लेटरल साइड पे जो है ना लेटरल लिप, वहाँ पे पेक्टोरलिस मेजर। इधर जो है ना वो मेजर कौन सा होगा, टीरीज मेजर आएगा, और लेडीज से क्या आएगा, लेटिसमस डॉर्साई, लेटिसमस डॉर्साई दरमियान में लेटिसमस डॉर्साई। लेटरल लिप पे क्या लगेगा, पेक्टोरलिस मेजर, और यहाँ पे लगेगा टीरीज मेजर। इंतहाई आसान सा कंसेप्ट है, कोई मुश्किल नहीं है। उसके बाद जो है ना ये वी शेप्ड जो था डेल्टाइड ट्यूबरोसिटी, यहाँ पे कौन सा लगेगा, डेल्टाइड जो था ना वो मसल, वो सारे का सारा आके लगेगा। जो ये इस साइड पे आपको ग्रीनिश नज़र आ रहा है, इसके ऊपर ये मिलाता हूँ। हमें पता है कि ट्राइसेप का मतलब क्या है, उसके हैं तीन हेड हैं, एक होता है लॉन्ग हेड, एक होता है मीडियल हेड, और एक होता है लेटरल हेड। शॉर्ट हेड इसका नहीं होता ट्राइसेप का, ये एमसीक्यू ज़्यादा होता है। लॉन्ग, मीडियल और लेटरल हेड तीन हेड होते हैं, जबकि बाइसेप के दो होते हैं, लॉन्ग और शॉर्ट हेड, वो आपने याद रखने हैं। जो ये वाला है ना यहाँ से आएगा मीडियल हेड ऑफ द ट्राइसेप, वो बैक तक जाएगा यहाँ तक, ठीक है। अब ये जो रह गया ना, हमने कहा था क्रैको ब्रेकियलिस कहाँ से आ रहा था, कोराकाइड प्रोसेस से, क्रैको ब्रेकियलिस और शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप ब्रेकियल। क्रैको ब्रेकियलिस जो यहाँ से आ रहा था ना, यहाँ से आके यूँ इधर इसके ऊपर लग जाएगा, यानी अगर मैं यूँ लगाऊँ ना, ये क्रैको ब्रेकियलिस, बस इतना सा मसला है ये। होप सो आपको फोकस जो ये नज़र आ रहा है, ठीक है, क्रैको ब्रेकियलिस इतना सा मसला है, वो बस यहाँ पे आगे लगेगा। हो गया ओके। अगर अब ब्रेकियलिस मसल जो है ना, वो ये जो आपको एरिया सारे का सारा नज़र आ रहा है ना, ये वाला यहाँ पर जो है ना लोअर एंड ऑफ द शाफ्ट, इसके ऊपर आके ब्रेकियलिस मसल लगेगा। अब नीचे वाले हिस्से की पोर्शन रहेगी, तो मीडियल सुप्राकुंडाइलर रीच थर्ड लेटर से, यहाँ पे ऊपर सबसे पहले लगेगा प्रोनेटर टेरीज। देखिए ना यार, ये अगर मेरा बाजू है ना, तो यहाँ से मीडियल साइड से ना प्रोनेटर टेरीज यूँ आता है और यहाँ पे आके रेडियस के ऊपर लगता है, यूँ उसने मसल नहीं आना होता है। तो मतलब मीडियल एपिकोंडाइल से आएगा ना, तो वही मीडियल एपिकोंडाइल यहाँ पर दिखा रहा है, यहाँ पर प्रोनेटर टेरीज लगेगा, और सारे के सारे जो है ना मैंने जो फ्लैक्स करना है बाजू, तो यहाँ से सारे के सारे फ्लैक्सर मसल आएंगे। तो मैं ये कह सकता हूँ ऊपर प्रोनेटर टेरीज और नीचे जो है ना, लेट मी फोकस इट, नीचे जो है ना वो फ्लैक्सर, कॉमन फ्लैक्सर ओरिजिन, यानी जो फ्लैक्सर मसल है उसकी ओरिजिन होती है। अब जो लेटरल साइड से आ रहे हैं ना, इस लेटरल साइड से, ये तो मीडियल साइड थी ना ये वाली, अब ये लेटरल साइड से जो आएंगे वो बैक के ऊपर जाएंगे मेरे आर्म के, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहे होंगे, ये देखें लेटरल साइड वाले बैक पे जा रहे हैं। तो सबसे ऊपर जो है ब्रेकियो रेडियलिस आएगा, क्योंकि रेडियस वाली साइड पे लेटरल साइड है, ब्रेकियो रेडियलिस आएगा, उसके बाद कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन आपने यहाँ पर लिख देना है, और एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस एक मसल होता है, वो भी एक्सटेंसर मसल है, वो भी आपने देख लेना साथ ही। होप सो इसकी समझ आ गई होगी। अब इसको मैं अभी 360 पे घुमा रहा हूँ, ये मैंने इसको घुमा दिया, तो हमें पता है यहाँ पे सुपरास्पाइनेटस, यहाँ पे इंफ्रास्पाइनेटस, और फिर यहाँ पे टीरीज माइनर था, ये था सबस्कैपुलरस था। उल्टे हम बोन को देख रहे हैं,
तो मैंने ही बताया था कि यहाँ से जो है ना वो मीडियल बार मीडियल हेड ऑफ आ रहा था ना यार, तो वो बैक पे जा रहा था, मैंने बताया था ठीक है। तो वही बैक पे आपको ना मीडियल हेड ऑफ़ द ट्राइसेप नज़र आएगा यहाँ पे, तो मीडियल हेड ऑफ़ द ट्राइसेप आ गया ठीक है। और मैंने कहा था ब्रेकियलिस यहाँ पे छोटा सा मसल, यहाँ पे जो मैंने बताया था वो ब्रेकियलिस का छोटा सा जो इंसर्शन यहाँ पे भी बैक पे भी आपको थोड़ी सी नज़र आएगी। ओके हो गया। उसके बाद जनाब लेटरल हेड रह गया, तो जो ग्रूव आपको यहाँ पे दिखा रहा है ना, यहीं पे एक ना लेटरल हेड ऑफ द ट्राइसेप जो था, लॉन्ग मीडियल और लेटरल हेड, तो लेटरल हेड भी यहीं पे आपको दिखाएगा। ये वाला मीडियल हेड आपको नज़र आ रहा है, लेटरल हेड ये ग्रूव के बिल्कुल साथ आपको नज़र आएगा। और बैक भी इतनी ज़्यादा नहीं है अटैचमेंट, सिर्फ यहाँ पे आपने देखना बोन की जो है ना लेटरल साइड, ये वाला जिसको मैंने इसको घुमाना है यूँ, यहाँ पे ये मैं निशान लगा रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ एनकोनियस मसल का अटैचमेंट है बस, और कुछ भी नहीं है, सिर्फ इजी सा कंसेप्ट है। होप सो आपको समझ आ गया। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी। अभी मैं आपको BDC एक रिव्यू दे देता हूँ चलें, ताकि आपके लिए ना जब BDC बुक पढ़ें तो आपको बिल्कुल आसानी हो। ये देखें राइट साइड की बोन है, सुप्रा स्पाइनेटस, इंफ्रा स्पाइनेटस, कहाँ गया यार इसका, तो ये अच्छा बैक से इसने ना ज़्यादा क्लियर करके दिखाया हुआ है, सुप्रा स्पाइनेटस, इंफ्रा स्पाइनेटस, टेरिज माइनर, यहाँ पे सुप्रा, यहाँ पे इंफ्रा, यहाँ पे टेरिज माइनर, क्योंकि ये बोन उसने थोड़ी घुमा के दिखाई हुई है, इसलिए आपको बैक से वो दिखा रहा ज़्यादा। अब लेसर ट्यूबरक्यूलर क्या दिखाया हुआ है, सबस्कैपुलरिस। ओके हो गया। उसके बाद मैंने बताया था लेडी बिटवीन टू मेजर, पेक्टोरलिस मेजर लेटरल साइड पे, दरमियान में क्या था लेटिसमस डॉर्सी, ये आ गया। उसके बाद टेरिज मेजर यहाँ पे आ जाएगा, टेरिज मेजर हो गया। हो गया हाँ यार, नज़र भी आ रहा कि नहीं आ रहा, ठीक है। पेक्टोरलिस मेजर, लेटिसमस डॉर्सी और टेरिज मेजर हो गया। उसके बाद जनाब यहाँ पे मैंने कहा था छोटा सा मसल कोरेको ब्रेकियलिस, वो कोरेको ब्रेकियलिस यहाँ पे लग गया ठीक है। उसके बाद मैंने कहा था नीचे ब्रेकियलिस मसल सारे का सारा आएगा, ये वाला उसने दिखाया ये रेड वाली में, ब्रेकियलिस सारे का सारा मसल यहाँ पे, डेल्टाइड ट्यूबरस ट्यूबे क्यों सारे का डेल्टाइड मसल की अटैचमेंट आएगी यहाँ पे। जनाब मैंने कहा था प्रोनेटर टेरीज आएगा और कॉमन फ्लेक्सर रीजन, प्रोनेटर टेरीज, कॉमन फ्लेक्सर रीजन, एक्सटेंसर कार्पाई, रेडियलिस लॉन्गस, कॉमन एक्सटेंसर रीजन यहाँ से आ गया, और ऊपर भी जो है ना वो ब्रेकियो रेडियलिस जो रेडियस साइड भी है ना, तो ब्रेकियो रेडियलिस आ गया। ये तो है इंटीरियर की। पोस्टीरियर पे मैंने बताया था कि हमने यूँ घुमाया था इसे, नीचे वाला जो था ना वो मीडियल हेड आपको नज़र आ रहा है, मीडियल हेड जो ट्राइस है ब्रेक है जो नीचे तक जा रहा है ये वाला। फिर मैंने कहा था ब्रेकियलिस जो छोटा सा मसल यहाँ से यहाँ तक लग, ब्रेकियलिस सॉरी आगे वाला, जो इसकी भी अटैचमेंट थोड़ी सी पीछे आ रही है। उसके बाद जो मैंने ग्रूव के बिल्कुल नीचे भी बताया था वो लेटरल हेड ऑफ द ट्राइसेप जो है ना रेडियल ग्रूव के बिल्कुल साथ, बस जो हेड के वो कह रहा है वो कवर होता है आर्टिकुलर कार्टिलेज ताकि वो ग्लेनॉइड कैविटी के अंदर ना इजीली घूम सके। होप सो आपको समझ आ गई। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी, थैंक यू सो मच। अगर कोई गलती हो तो काइंडली कमेंट सेक्शन ओपन है, आप इसके अंदर मुझे बता सकते हैं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। बस आपसे एक गुजारिश है कि अपने लिए दुआ कीजिए, मेरे लिए दुआ कीजिए, अल्लाह पाक हम सबको कामयाबी दे। थैंक यू सो मच।